नमस्कार सर। क्यों सर, फॉर्मेलिटी अब तक खत्म नहीं हुई? नहीं, हैंडओवर सिग्नेचर पेंडिंग है। ओ, ऐसा है, ठीक है ठीक है। क्यों सर, केस नंबर 18 लेकर बैठे हो? वो मेरे ज्यूरिसडिक्शन में हुआ था ना, और ये अनसॉल्व केस भी है, स्टडी मटेरियल के तौर पर रखा था ना। अब आपका अगला ट्रांसफर कहाँ होगा? हो गए ना 2 साल कोकन में, अब पुणे डिवीजन, वही हमारा कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, आदमपुर स्टेशन। वेरी गुड वेरी गुड, चलता हूँ सर। हाँ सर। सर तूफान से क्वार्टर्स खराब हो गए हैं। हमने रेंट पे घर अरेंज कर लिया है, ठीक है ना सर? ऐसा क्या? हाँ सर, चलेगा ना, नो प्रॉब्लम। सर, आपको कोई खबर मिली है? अब तक तो नहीं मिली। मेरी बेटी का इलाज करना है। हम समझ सकते हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं। गावकर। यस सर, ये हमारे नए ऑफिसर हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, अगर कुछ पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। सर, यहाँ लेडी कॉन्स्टेबल नहीं है क्या? है सर, लेकिन अभी वो मैटरनिटी लीव पर है। ओके। सर, लगेज है क्या सर? दूसरी गाड़ी से आ रहा है। ठीक है सर। हाँ, पहुंच गई क्या? ओके। एक काम करो, रिक्शा वाले को अड़खल जाना है बोलो, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया है। 2 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूं और चाबी भिजवा देता हूं घर की। श्योर। किशोर। सर, मेरे घर जाओ, मेरी बीवी पहुंच रही है, उनको चाबी देकर आ जाना। ठीक है सर। सर। हाँ, हमारा कोकण कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है गावकर, कभी कभी मंदिरों के लिए इस तरफ आते थे, अब तो ड्यूटी पर ही आ गया हूं। हेलो पुलिस स्टेशन।
पुलिस के घर पे चोरी हो गई। एक मच्छर दूसरे मच्छर को ही काट कर चला गया, वैसे ही उन चोरों ने इनका ही घर लूट लिया। ये पुलिस वाले हमारी क्या रक्षा करेंगे? हाँ, अब रह क्या गया गया पुलिस। अरे देखो जरा सा, अंदर जाओ। ये बताओ यहाँ पर चोरियां कब से होने लगी हैं? एक डेढ़ साल से हो रही हैं सर। सर मुझे अब तक यहां पर हुई सभी चोरी की डिटेल्स, क्राइम डिटेल्स, विक्टिम्स डिटेल्स, फोटोज, एफआईआर कॉपीज, ये सब मेरे टेबल पर चाहिए। ओके सर। ऑर्डर वाइज, डेट वाइज। ओके सर। उन चोरों ने इन्हीं का घर लूट लिया, ये पुलिस वाले हमारी रक्षा कैसे कर पाएंगे? गांव में चोरी होने पर ये लोग लापरवाह थे, लेकिन अब इनके खुद के घर में चोरी हुई है, अब पता चलेगा। तो ऐसे होते हैं हमारे गांव की पुलिस। सर
गांवकर, मेरा घर जोड़कर ये पांचवी चोरी है। अब तक एक भी क्लू नहीं छोड़ा है। तुम एफआईआर के अलावा और कोई डिटेल्स बता सकते हो? सर, लगता है ये चोरी करने वाले इस गांव से नहीं है। क्योंकि ये बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ चोरी कर रहे हैं सर। प्लानिंग इतनी तगड़ी होती है कि चोरी करने के बाद अगली सुबह तक घर वालों को पता नहीं चलता कि उनके यहां चोरी हुई है। वेल प्लान लगता है ये। यानी घर के बारे में, घर वालों के बारे में वो लोग सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब जरूर वो इसी गांव से है। अगर इतनी डिटेल्स उनके पास हैं, मतलब वो लोग गांव वालों के बेहद ही करीब हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन, ये सेल्समैन लोग पूरे गांव में घूमते रहते हैं, घर घर जाते हैं, घर वालों से बातें करते हैं, इसलिए उन पर शक नहीं होता। यानी इस गांव में सेल्समैन, आई डोंट थिंक सो। ये जरूर कुछ और काम कर रहा होगा। क्या मतलब सर? मतलब कोई सब्जी वाला भी हो सकता है, फूल फल या मिठाई या कैंडी, मछली बेचने वाले भी हो सकते हैं। अगर हम सर्विस वालों के बारे में सोचें तो पोस्टमैन या कोई केबल वाला, लाइनमैन लोग, मुझे लगता है ये लोग ऐसे ही किसी भेस में हमारे बीच में घूम रहे होंगे। में गली गली घूमकर काम करने वाले कई हैं, जैसे कि वो मछली वाला नागराज, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी है सर। जब भी वो इधर से गुजरता है, हम लोगों से मिलकर जाता है। जरूरी नहीं कि वही हो, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। खैर, वो लैंड ग्रैबिंग केस वाली फाइल लाओ। ठीक है सर, लाता हूं। ए नागा, सच कहूं तो ये एसआई का घर है, और तो और वो नया एसआई है। वो कौन है, कैसा है, कुछ पता नहीं है। कुछ दिनों के लिए हम कुछ ना करें वही अच्छा होगा। नया हो या पुराना हो, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा था, तुम कर्म करते रहो और फल तुम्हें भगवान खुद ब खुद दे देंगे। देखो, हमें अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारा एसआई अब तक तो जान ही गया होगा कि हमारी काबिलियत क्या है।
यह है हमारा अगला टारगेट। गावकर। सर, अगली चोरी मेरे घर से 3 किलोमीटर के दायरे में ही होगी। मुझे ये 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी घरों की डिटेल्स चाहिए। ओके सर। आज क्यों इतना गुस्से में है साहब? पहले ही दिन चोरी हो गई इसलिए क्या? पहले ही दिन चोरी हो गई इसीलिए, उसमें भी पुलिस वाले के घर में ही, और वो भी मेरे ही घर में। देखो आप इतना सोचो मत, जो होने वाला था वो हो गया। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। तुम्हारी चेन गई है ना, मेरी इज्जत गई। चलिए खाना खाते हैं। शेखर फाइल लाओ जरा। ठीक है सर। नमस्कार साहब। कैसे हो? ये लीजिए। क्यों रे नागा, 2-3 दिन से तू दिखाई नहीं दे रहा था। अरे अब आपको क्या बताऊं साहब, कुछ हुआ है क्या? आजकल कोई नया साहब आया है क्या? हाँ आए तो हैं। मुझे भी मिलवाइए। अभी वो जरा टेंशन में है, फिर कभी आना, मैं आराम से मिलवा दूंगा उनसे। ऐसी बात है क्या? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। सर, कल से इन सभी एरियाज पर क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कोई भी अगर थोड़ा भी सस्पिशियस लगे तो उन्हें अरेस्ट करो। ठीक है सर। हाँ ऊपर ऊपर। हाँ वहां। हाँ वहां फंसा। अरे ये कौन आ गया? हाँ चल चल चल। नमस्ते शेखर भाव। तू इधर क्या कर रहा है? शैंपू। हाँ चल निकल। जी। नमस्ते गौकर भाऊ। नमस्कार। तुम लोग यहाँ कैसे? यही बस चाय पीने आए थे। ठीक है ना? कल एक पेड़ गिर गया था ना? हाँ बस यही पास में ही गिर गया था। अच्छा तो तुम लोग उसे काटने के लिए आए हो? हाँ, वो हाँ, वही पेड़ काटने आए। बाकी सर आपको तो हमारी हालत पता ही है ना।
तुम 5 मिनट बाहर ही रुको। अब अगली चोरी 3 किलोमीटर के दायरे में ही होगी। अगर पहले 3 घरों के बारे में सोचते हैं तो इन तीनों ही घरों में कुत्ते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होगी। चौथा और पांचवा दोनों ही घर एक ही कंपाउंड में हैं, जॉइंट फैमिली, लोग ज्यादा है इसलिए वहां नहीं जाएंगे। छठे घर में बैचलर्स रहते हैं इसलिए वो लोग वहां पर भी नहीं जा पाएंगे। सातवें घर में इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, आठवें घर में सीसीटीवी कैमरा है, ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो अब सिर्फ बचा 9वां घर जो है गांव के बाहर सुपारी बेचने वाले का घर। यही है हमारा अगला घर। घर में 2 ही लोग हैं और उन दोनों की भी उम्र हो चुकी है। घर भी पुराना है और सिक्योरिटी भी कम है। घर के अंदर जाकर बाहर आना चुटकी बजाने जैसा काम है। लेकिन वहां तो पुलिस वाले घूमते रहते हैं ना? अरे वो तो उनका काम ही है। आपको कैसे यकीन है कि ये वही घर है सर? चोरों को पकड़ने के लिए चोरों के रास्ते पर ही चलना पड़ता है। पुलिस वालों की नजरों से बचने के लिए हमें उस रास्ते पर कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहिए। हर रोज 2 पुलिस वालों को उनके घर के आसपास भेजो। दूसरे घरों पर किशोर को नजर रखने के लिए बोलो और उस घर वालों से मेरी बात करवाओ। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुझे शक हो रहा है कि आपके घर में चोरी होने की पूरी संभावना है, इसलिए मैं आज से आपके घर को पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा हूं। मगर फिर भी आपके पैसे, गहने और बाकी कीमती चीजों को सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। और अगर आपके घर के आसपास कोई भी अनजान आदमी घूमता हुआ दिखे या आपको किसी पर भी शक हो रहा हो तो आप इस नंबर पर मुझे तुरंत कॉल करिए। काय मोरे, कसा काय? ठीक है साहब। पहले एक सिगरेट पिला। हाँ मोरे। हाँ यहाँ कुछ अनजान लोगों को घूमते देखा है क्या जिस पे कोई शक हो? मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा है अभी तक। ठीक है। नमस्कार शेखर भाव। ओ नागा, तू यहाँ कैसे? पान खाने आया था। अच्छा, लेकिन आप इधर? नाइट ड्यूटी पर लगा दिया। अच्छा, नाइट ड्यूटी भी लगता है आपका? अरे नए साहब आए हैं ना। हाँ ठीक है सर, मैं चलता हूँ। चल एक बिस्किट दे। हेलो गावकर सर, एनी मूवमेंट्स?
नहीं सर। ओके, अलर्ट रहना। ओके सर। आज ही हम इस घर को लूटेंगे। अगर आज हमने इस घर को लूट लिया तो सिर्फ एक ही घर बचेगा हमारे लूटने के लिए। 6 साल में हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा कमाया है, बस ये घर आखिरी घर है लूटने के लिए। बस इस घर को लूट ले हम लोग, उसके बाद हम लोग सेटल हो जाएंगे। एनी मूवमेंट्स? कुछ भी नहीं सर। देन वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सर मुझे एक बात कहनी थी। बोलो। कल मेरी बेटी घर आ रही है और शेखर की बेटी का बर्थडे भी है। ओह वेरी गुड। तो मैं कह रहा था सर कि आज छोड़ देते हैं, कल से चले जाएंगे, वैसे भी एक हफ्ते से कोई मूवमेंट नहीं है। कोई बात नहीं गावकर, किशोर और मैं मैनेज कर लेंगे। ठीक है सर। हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, अगर वो लोग आज रात को ही आ गए तो। गाड़ी को यहीं पर रोक दो। Stop! Hey! Hey, rukho!
सर क्या हुआ सर? जस्ट मिस हो गया। वो कितने लोग थे आपने देखा क्या? कितने लोग थे ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बाहर दरवाजे से आवाज आई इसीलिए मैंने आपको कॉल किया सर। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हमारा स्टाफ कल सुबह आकर सारी डिटेल्स ले लेंगे। जी। अब आप आराम से सो जाइए, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। हम आने वाले हैं ये उन्हें कैसे पता चला? वो कौन है? लाइनमैन देवा सर। ओ, उसे कल स्टेशन में बुलाओ। ठीक है सर। और वो दूसरा मच्छी वाला, उसका नाम क्या है? नागा सर। उसे भी बुलाओ। ठीक है सर। सर नमस्ते सर। सर आपने मुझे बुलाया था, मुझसे कुछ काम था क्या सर? कल देर रात तुम कहां जा रहे थे? वो सर नाटक देखने गया था, वहां मुझे नींद आ रही थी तो वापस आ गया। नाटक भी देखते हो क्या? जी सर। कौन सा नाटक था? सर सत्य हरिश्चंद्र सर। सत्य हरिश्चंद्र? अच्छा। जी सर, मेरे पास टिकट भी है। टिकट को जेब में लेकर घूम रहे हो? क्या तुम्हें पता था मैं पूछूंगा? सर मैंने कल भी यही टी शर्ट पहना था। टिकट मेरे जेब में ही थी सर। सत्य हरिश्चंद्र। तू यहां क्या कर रहा है? उन्होंने देवा को बुलाया है। दर्द कैसा है? हाँ अब ठीक है। अब तुम एड्रेस देकर जाना। ठीक है सर। नमस्ते गावकर भाव। बोलना का। आपने आने को कहा था ना? हाँ, ओ साहब को बात करनी है, अंदर जाओ। ठीक है भाव। क्या हुआ? एड्रेस देकर आता हूँ। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम क्या है? नागराज सर। बैठो बैठो। रोज कितने बजे तक मच्छी बेचते हो? दिन के 3:30 बजे तक बेचता हूँ सर। कल रात को मछली का बास आ रहा था, तू कहाँ रहता है? अंजरला के कुछ 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ सर। फिर कल देर रात को तुम हरने में क्या कर रहे थे? सर वो हमारा लाइटमैन लड़का बाइक से गिर गया था, इसलिए उसको चोट लग गई थी। उसको मैं सरकारी अस्पताल लेके गया था सर। वो बाहर ही बैठा हुआ है सर। चेक शर्ट पहना हुआ है सर उसने। उसका नाम याद नहीं आ रहा है सर। पूछ लेते। सर वो बाहर एक चेक शर्ट पहना हुआ लड़का बैठा है, उसे अंदर भेजो। जी सर।
सर सर नमस्ते सर। सर बात यह है कि कल रात को मैं घर पे जा रहा था बाइक से, तो अचानक सामने कुत्ता आ गया। झटके से मैंने ब्रेक दबाया तो मैं स्लिप हो गया और बाइक यहां से वहां तक स्किड हो गया सर। सर सर मेरा पैर देखिए सर। नागा से पूछ लीजिए सर। तुझा मित्र है का? तुमने तो कहा था इसे डॉक्टर के पास ले गए थे। हाँ सर, हाँ सर। पर्ची गुम हो गई होगी है ना? हाँ सर, डॉक्टर के पास रह गई। मंगवा लेते हैं। सर हॉस्पिटल में फोन करके पूछो कि ये गया था कि नहीं। ठीक है सर। हेलो, सतीश बोल रहे हो ना? ज्यादा चोट लगी थी क्या? हाँ सर, फिसल गया था ना। सर ये लोग गए थे सर। गए थे क्या? ठीक है, आपने हम पर बेकार में शक किया ना सर। अरे मैंने कहां शक किया, मैंने तो सिर्फ बुलाकर बात ही किया है ना। फिर तो ठीक है सर, जा सकते हो। ठीक है सर, चलते हैं। चलिए सर, चलता हूं। सर ये तो पहचान के लड़के हैं सर, सब अच्छे लड़के हैं। सब पता चल जाएगा, तुम इन तीनों के कॉल्स रिकॉर्ड करो। लेकिन इनके पास तो फोन ही नहीं है सर। एमएसएबी का कर्मचारी है ना वो, फोन तो होना चाहिए ना। वो लोग डेली वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स हैं सर। स्ट्रेंज, मुझे लगता है वो सब एक ही ग्रुप के हैं। सुनो, दोपहर को याद से खाने के लिए घर आना। मुझे कुछ काम था। क्या बात है? 24 घंटे उन चोरों के बारे में सोचकर आप घूमा मत करो। आज हमारी एनिवर्सरी है, आपके ध्यान में है? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या है ना, वो जरा इस केस में थोड़ा उलझ गया हूँ। इस केस को आपने बहुत ही पर्सनली ले लिया है। खोई हुई चीज शायद हो सके नहीं मिले, लेकिन जो है उसे खोना नहीं चाहिए ना। सुनो, हमारे बीच के प्रेशियस मोमेंट्स आपकी नौकरी की वजह से खोना नहीं चाहिए। ओके, मैं काम खत्म करके जल्दी घर आता हूँ, कल छुट्टी ले लूंगा। एक घंटे में आई विल बी बैक। ठीक है। ओके। हाँ, वो भी सही है।
हेलो पुलिस स्टेशन। सर आप जिन चोरों को ढूंढ रहे हैं वो अकवली के अस्पताल में हैं सर। हेलो गावकर, गावकर, गावकर। सर अभी मुझे एक एनोनिमस कॉल आया था, बाकवली जंगल के पास खंडर हुए हॉस्पिटल में वो चोर लोग छिपे हुए हैं ऐसा कह रहा था। हो सकता है ये ट्रैप कॉल भी हो। तुम एक काम करो, ठीक 3 मिनट बाद तुम भी निकलकर वहीं पहुंचो। यस सर। कौन? तुम्हारे अड्डे पे पुलिस आ रही है, जरा भी लापरवाही की तो तुमने जो भी छुपाया है पुलिस वाले ले जाएंगे। कोई आदमी ने कॉल किया था क्या? कह रहा था पुलिस अपने अड्डे पे जाने वाले हैं। कौन है वो जिसे हमारा अड्डा पता है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले तुम्हारे अड्डे पर आ रहे हैं, वहां से जल्दी निकल जाओ। हाँ मालती कंफर्म।
चलो यहां से चलते हैं। यही उनका अड्डा है। लगता है हमने उन्हें थोड़े के लिए मिस कर दिया। मिलेंगे मिलेंगे, कहां भागेंगे वो। गावकर सर, तुम पुलिस स्टेशन जाओ। ओके सर। शेखर तुम मुझे अभी घर पर छोड़ दो। ठीक है सर। मैं कल नहीं आने वाला हूँ। घर में केस फाइल रखी है, उसे तुम कलेक्ट कर लेना। ओके सर। बस दो मिनट में आया। ठीक है सर। फिंगरप्रिंट्स मिले या नहीं? देखता हूँ। हाँ। एक से निकाल फोटो। हाँ। देखने का जरूरत नहीं है, ये गोडाउन है, सब कचरा पड़ा हुआ है। चलो तेरी रत्नागिरी में की हुई चोरी की केस की फाइल इंस्पेक्टर के पास है। तेरी रत्नागिरी में की हुई चोरी के केस की फाइल इंस्पेक्टर के पास है। आज दोपहर तक एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर दर्ज होने से पहले एविडेंस को गायब कर दो, वरना तेरा जेल जाना पक्का है। गावकर, हमने चोरी की जगह पर आज तक कोई सबूत नहीं छोड़ा, तो फिर एसआई के घर में ऐसा क्या छूट गया? और गावकर को इस सब के बारे में कैसे पता चला? वो हमारी मदद क्यों कर रहा है? शायद पैसों की वजह से।
खोई हुई चीज शायद हो सके नहीं मिले, लेकिन जो है उसे खोना नहीं चाहिए ना।
ए, ये नागा का चला गया है, पता नहीं पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया ना, उसे अगर पकड़ लिया होता ना तो पूरे गांव में बात फैल जाती, साथ में पुलिस वाले हमें भी ढूंढ रहे होते, फिर कहां गया होगा वो, यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। हमें भी धोखा देकर निकल तो नहीं गए? चुप कर, उसे हमें धोखा देना होता ना तो उसने ये सब कुछ छोड़ दिया, लेकर भी जा सकता था। फिर वो कहां गया होगा भाई, वो पकड़ा तो नहीं गया ना? जाए वैसा नहीं है, कैसी कैसी चोरियां की है, कितनी सिक्योरिटी तोड़ी है हमने, यहाँ बात कुछ और ही है। चल तू, चले काम कर, तू बाइक चल, ऊपर गांव का एक चक्कर लगाते हैं, कहीं पर उसकी गाड़ी दिखे तो वो हमें मिल जाएगा। चल का फल हमें जरूर मिलता है, और जो हम पाप करते हैं उसकी सजा भी जरूर मिलती है। अंदर है क्या? हाँ अंदर ही है। Thank you.
मैं सीताराम बोल रहा हूँ। As soon as possible, जितना जल्दी आओगे उतना अच्छा है। सर आप दो दिनों से घर नहीं गए हैं, जाके थोड़ा आराम कीजिए सर। मैं रुकता हूं ना यहां पर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई क्या? वो शेखर लाने गया है सर, वो आता ही होगा। सर ये केस नंबर 18 में क्या है? वो एक सीरियल किलर केस है सर। फाइल सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स की पत्नियों को ही मारा गया है सर। हो सकता है ये हत्या चोरों ने ही की हो, तो और कौन हो सकता है सर? खेरडी से एक ही रोड है। थैंक यू। ए भाई साहब जरा संभल कर, क्या हुआ? अपनी कंप्लेंट वापस लेने आया हूं सर। कौन सी कंप्लेंट? सारे गांव में चोरी हुई थी ना, उसमें मेरा भी एक घर था। वो पैसे मैंने बेटी के इलाज के लिए रखे हुए थे सर, परसों मेरी बेटी भी चली गई। अब वो पैसे और ये कंप्लेंट किसी काम के नहीं। मैं इसीलिए आया था सर, मैं इन पैसों का क्या करूंगा, मेरी बेटी तो चली गई। देखिए आप थोड़ा और वक्त रहने दीजिए सर, मेरी बेटी की सांसों से छीना हुआ पैसा है, अब वही पैसे उन्हें दम घोट कर मारेंगे। जाने दीजिए सर, अब मैं चलता हूं। मालती को लेकर आओ। मालती तुम पुलिस स्टेशन में काम करती हो, मैं बार बार नहीं पूछूंगा। हम सच निकलवाने के लिए कैसी कैसी ट्रीटमेंट देते हैं तुझे अच्छी तरह पता है। मी तुला सरल विचारतो है, कौन है चोर? मालती
मला का माहिती नाही साहेब, मैं सब सच सच बताती हूँ। उस नंबर पर फोन करके मैं सिर्फ खबर पहुँचाती थी, वो लोग मेरे घर पे पैसे रख के जाते थे साहेब। इतना ही क्या? हाँ एवढंच माहिती आहे मला। गावकर सर, वो नंबर ले लो, कौन है पता करो। ठीक है सर। मालती बैठ जाओ। सर मुझे दो सीसीटीवी के फुटेज मिले हैं, मैं सारा डेटा कॉपी कर लेता हूँ सर। शेखर सर, उस दिन हमें एक एनोनिमस कॉल आया था। हाँ सर। तुमने वो सिम ट्रेस किया? वो सिम नागपुर के आसपास का है सर, किसी रीटा के नाम से है। फोन किया तो स्विच ऑफ बताया, फिर से ट्राई करता हूँ सर। ठीक है। छी, सारा प्लान चौपट हो गया। ये नागा भाव कहाँ गया होगा? चाय की दुकान पे जाके देखना है। हाँ ठीक है। हाँ? ठीक है चल। ठीक है। शेखर इतने ही फुटेजेस थे? हाँ सर, मुझे इतने ही मिले हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। नॉट इनफ सर, वो नंबर इनका है। बिठाओ। क्या नाम है इनका? सर मेरा नाम यशवंत शिर्के है सर। आपको इस औरत के फोन कॉल्स आते थे क्या? रोज किसी ना किसी का कॉल तो आता था सर, पता नहीं किसका कॉल था पर दो लड़के बात करते थे। कितने? दो सर। उन्हें देखोगे तो पहचान पाओगे? सर मेरी आंखें बहुत कमजोर हैं, मैं ठीक से पहचान नहीं पाऊंगा। देवा सिन्हा और नागा तीनों को बुलाओ। ओके सर। शेखर भाव नमस्ते। हाँ नमस्कार। चलो साहब बुला रहे हैं। शेखर भाव अब हमने क्या किया? वो सब मैं नहीं जानता, तुम आगे चलो मैं पीछे से आता हूँ। ठीक है। सीना हम लोग फंस गए क्या? अरे तू डर मत, चुपचाप बैठ। सर हमने क्या किया है सर? आवाज से पहचान सकोगे आप? हाँ सर पहचान लूंगा सर। चल बोल लो कर। काहे बोलू सर? हाथ साई का नहीं, ये नहीं है सर। ए तू बोल रहे? सर क्या बोलू सर। कहां से आया ये बताना। अंजरला से सर। ये है क्या? नहीं ये भी नहीं है सर। जरा सोच कर बोलो, ये दोनों नहीं है क्या? ये दोनों ही नहीं है सर। उन दोनों की आवाज भारी थी सर। काई? उनकी आवाज बहुत भारी थी सर। सर वो आ गए हैं सर, वो यहीं बाहर रुके हुए हैं। हाँ उनको बिठाओ। सर कहाँ है तीसरा फंटर? कौन सर? अरे वही नागा। मालूम नहीं सर, अब हम जा सकते हैं सर। ठीक है नंतर बक्तो तुम्हाला। हो सर।
काका को ठीक से दिखता नहीं है, लेकिन उनके कान बहुत ही तेज हैं, इसलिए तुम लोग अलग अलग आवाज में बात करना। लेकिन मालती को आंखों से दिखाई भी देता है और कानों से सुनाई भी देता है, इसलिए हम लोगों को उसकी नजरों से बचना है। ए, हाँ सर, सर आवाज बदल कर तो कभी बात नहीं किया ना? नहीं सर, नहीं सर। थैंक यू फॉर कमिंग ऑफिसर्स। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। इट्स अ वेरी इनफॉर्मल मीटिंग, इसलिए मैंने शॉर्ट नोटिस में इन्फॉर्म किया था, पर आप आ गए, थैंक्स अगेन। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। केस नंबर 18। सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स की पत्नियों की ही हत्या हुई है, और हम ही वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कहते हुए मुझे शर्म, दर्द और गुस्सा आता है। सर मेरी बीवी की भी हत्या हुई है। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है, और कितनी हत्याएं होंगी पता नहीं, लेकिन हमें उस किलर को रोकना होगा। रोकने से पहले हमें उसे पकड़ना तो जरूरी है ना सर? कैसे पकड़ेंगे उसे? उस किलर को पकड़ने से पहले हमें उसकी मानसिक स्थिति समझनी होगी। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से साइको किलर्स की दो श्रेणियां होती हैं। पहली, कत्ल के वक्त विक्टिम को तड़पता हुआ देखकर उसके दर्द से उसको मिलने वाली सेडिस्टिक प्लेजर, मतलब एड्रेनलिन रश के लिए हत्या करना। दूसरी कैटेगरी पॉपुलैरिटी के लिए, कत्ल पे कत्ल करके कुछ बड़ा हासिल किया है ऐसा सोचकर लोगों में डर पैदा करके लोगों के डर को माने एंजॉय करना। मगर ये किलर इन दोनों कैटेगरी का नहीं है। ही इज नॉट अ साइकोपैथ। नहीं सर, वो सिर्फ लेडीज का मर्डर करता है। ही इज अ साइकोपैथ। दे वर ऑल हेल्पलेस। मरी हुई सभी औरतें ही हैं। बट आई सीरियसली डाउट इफ इज अ साइकोपैथ। उसने किसी को टॉर्चर नहीं किया। ये देखो, किसी भी कत्ल में खून खराबा नहीं है। देयर इज नो ब्लडशेड। दे वर ऑल डेड बिफोर दे कुड रियलाइज। क्विक डेथ्स। नहीं सर, किलर ने हर जगह पर अपना सिग्नेचर छोड़ा है। ही वॉन्ट्स टू बी पॉपुलर। पॉपुलर होने के लिए डर पैदा करना होता है, और डर पैदा करने के लिए कत्ल पे कत्ल करना पड़ता है। यहां पे हुए कत्ल की डेट्स देखिए। 2015 में एक कत्ल हुआ और 2018 में दो। अब एक और, इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी या पैटर्न नहीं है। हर एक कत्ल बहुत ही वक्त लेकर, सोच समझ कर, एक भी क्लू ना छोड़ते हुए किया गया है। परफेक्ट क्राइम है ये। ही इज नॉट अ साइको किलर। साइको किलर के भेस में सबको गुमराह करता हुआ मर्डरर है। वो हमसे बदला लेना चाहता है। उसने छोड़े हुए कर्मा सिंबल में कोई पॉइंट है क्या सर? ये कोई सिंबल या सिग्नेचर नहीं है। वो हमसे कुछ कह रहा है। तो वो हमसे कहना क्या चाहता है सर? कर्मा का मतलब हमारे कि ये सारे अच्छे या बुरे काम हमेशा हमारा पीछा करते हैं। एग्जैक्टली। यहां सिर्फ बुरी चीजें ही हमारा पीछा कर रही हैं। हमसे कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस वाले दोबारा हमें बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। इसका मतलब उनको हम पर शक है। अब क्या करेंगे? गांव छोड़ दे क्या? नागा? हमें काम करते हैं, नागा भाई को ढूंढते हैं। हाँ,
तुम गांव के अंदर ढूंढो, मैं गांव के बाहर ढूंढता हूँ। ठीक है, अंधेरा होते ही गांव के बाहर आ जाना। हाँ। मैं तुझे वहीं आकर मिलता हूँ। चलेगा। रुक जा। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। हमने क्या बुरा किया है सर? अगर हमने बुरा किया है तो बुराई हमारा पीछा करती है, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया है। Why is he targeting us? Let me explain. सर्विकल एरिया को फ्रैक्चर करके उसने सबकी हत्या की है, यानी गर्दन की हड्डी तोड़कर उसने सबको मारा है। सिर्फ यही नहीं, ये एक ही पैटर्न क्यों फॉलो करता है? There is a message. Maybe a very, very emotional one. अगर उसे ही सर्विकल एरिया में कोई प्रॉब्लम होती तो वो या तो बिस्तर पर होता या तो वो मर गया होता। सो इट्स वेरी क्लियर दैट ही इज नॉट द विक्टिम। विक्टिम कोई ऐसा हो सकता है जो उसके बहुत करीब हो, बेटा, बेटी, पिता, मां, कोई भी हो सकता है ये। दैट ब्रिंग्स मी बैक टू अस अगेन। सभी मरने वाली पुलिस ऑफिसर्स की ही पत्नियां हैं, और शायद उसने भी अपनी पत्नी को खोया है। वो ऐसे ही मरी होगी, टू बी प्रिसाइज। शायद हमारी वजह से। पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि हम में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, पर उसका टारगेट हमारी पत्नियां नहीं है, हम हैं। आई एम श्योर देयर आर सम डिटेल्स हिडन विद इन अस। हमारे ढूंढे जाने वाले सारे सवालों के, वी आर द आंसर्स। सर, हम सब एक ही बैच से नहीं है, किसी केस में साथ में काम भी नहीं किया है, और हम कभी मिले हैं ये तो मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जैसों को गवर्नमेंट से हजारों ड्यूटीज मिलती हैं। कभी गणपति का त्योहार तो कभी कर्फ्यू, कोई स्कूल की ड्यूटी, कभी इलेक्शन की ड्यूटी, ऐसा क्या क्या नहीं होता। ये सब याद रखना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल सर। Thank you.
हमसे कुछ कह रहा है। वो हमसे बदला लेना चाहता है। उस किलर को पकड़ने से पहले हमें उसकी मानसिक स्थिति समझनी होगी। मरी हुई सभी औरतें ही हैं। उसने किसी को टॉर्चर नहीं किया। कत्ल में खून खराबा नहीं है। गावकर भाऊ, ओ तुम आ गए जी। हाँ शेखर, वो जरा 602 फाइल देखना। ठीक है गावकर भाऊ, आपके पास 3000 रुपए हैं क्या? नहीं, वो अपने स्टाफ मालती है ना, उसको प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है शायद। हाँ। उसका पति आया था। अच्छा 3000, ठीक है देता हूँ, देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका पति एक बेवड़ा है, बीवी के प्रेगनेंसी के नाम पे पैसे लेके दारू पी जाएगा वो। जब वो आया तब पिया हुआ नहीं था। मैंने भी देखा नहीं है, बस सुना है कि पीता है। अच्छा मैं पैसे देता हूँ, मालती अपने साथ ही तो काम करती है ना। सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट है सर। उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, डिलीवरी में खर्चा बहुत होता है, थोड़ी मदद करते हैं। गावकर भाऊ मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे 3000 रुपए दीजिए, उसमें और 2000 रुपए मिलाकर मैं उसे दे आता हूँ। ये स्कूल ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, ऐसा क्या क्या नहीं होता है सर, ये सब कुछ याद रखना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है खाली हाथ मत जाना, कोई फल वगैरह लेकर जाना। ये लो पैसे 3500 हैं। ठीक है भाऊ, अकेली है कैसे उसकी डिलीवरी होगी, उसकी क्या इच्छा है क्या पता। जो भी हो भगवान करे उसके साथ सब ठीक हो। चीना! 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 चीना!
सीना, सीना, मैं अंदर हूँ सीना। नागा? हाँ। हे! इंस्पेक्टर के घर में क्या कर रहे हो तुम? वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ। पहले तू इस दीवार को तोड़। हे! दीवार मजबूत नहीं लग रही, जोर से धक्का मारो, गिर जाएगी। ऐसा है क्या? हाँ। तो तू रुक जा। हेलो, तापोली पुलिस स्टेशन से एसआई सीताराम बोल रहा हूँ। क्या मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? 2014 मार्च इलेक्शन के टाइम पर आपके ज्यूरिसडिक्शन में ये सर्विकल फ्रैक्चर से किसी की डेथ हुई हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड है? सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, फाइल्स चेक करके आपको बताता हूँ मैं। ओके ठीक है। हेलो साहब, डेथ हुई थी सर। क्या वो क्या वो एक औरत थी? हो साहब, और वो प्रेग्नेंट भी थी। हे भगवान, उसका नाम? रीटा जॉर्ज साहब, वाइफ ऑफ बिनॉय जॉर्ज, वाइफ ऑफ बिनॉय जॉर्ज, बिनॉय जॉर्ज। एनी सस्पेक्ट्स? नहीं सर, पैर फिसल कर मौत हुई थी। नो सस्पेक्ट सर। ओके थैंक यू। क्या आप FIR और बिनॉय जॉर्ज के फोटोज, इनकी कॉपीज मुझे मेल कर सकते हैं क्या? कर तो साहब। थैंक यू।
सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स की पत्नियों की ही हत्या हुई है। इसमें कोई सिंबल या सिग्नेचर नहीं है। वो हमसे कुछ कह रहा है। बिनॉय, इसने देव को क्यों मारा? What is the connection? एसआई सीताराम बोलतो है। 2014 में एक ही पैटर्न में चोरी हुई हो ऐसा कोई केस दर्ज हुआ है क्या? 2014-15 में मुझे फिर से फाइल देखनी पड़ेगी, लेकिन कुछ 4-5 साल पहले की बात है। 5-6 चोरियां हुई थी सर, अचानक से रुक भी गई थी सर। चोरियां कुछ इस तरह की थी, चोरी होने के बाद अगली सुबह ही पता चलता है कि घर में चोरी हुई है। आप समझे ना सर। आणि त्याशिवाय और कोई डिटेल नहीं है सर। सॉरी साहब। मुझे लगता है वो सब एक ही ग्रुप के हैं। नागा को पूछिए सर। लगता है हमने उन्हें थोड़े के लिए मिस कर दिया। देवा, सीना, नागा एक ही गैंग है। एनोनिमस कॉल, वो एक डिविएशन था। द डेविल इज इन द डिटेल्स। ड्यूटी है, हमारी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है। वही तो, अपनी जिंदगी में बस दूसरों के लिए काम करना लिखा है। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। एक काम करो, वहाँ से जो भी आते हो उन सबको रोक लेना। हाँ ठीक है, और मैं इस तरफ का ध्यान रख लेता हूँ। ठीक है। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? दोस्त के घर से आ रहे हैं। इस तरफ क्या काम पड़ गया तुमको? थोड़ा काम था सर। क्या काम था? कुछ नहीं सर। चल बता। अरे बता बता सर। चल इंश्योरेंस लाइसेंस रखो। चल क्यों है? कहाँ ले जा रहा है ये? पापा के लिए सर। चल निकल। चल निकल निकल चल चल चमार चल। लगता है बिजली आने में देर हो जाएगी। तुम दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। ठीक है। कुछ इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करना। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है। आज रात इस गांव के आखिरी घर को हम लोग लूटेंगे। भवानी शंकर के घर को लूटने के बाद आज रात ही हम लोग इस गांव को छोड़कर निकल जाएंगे। क्या कहते हो? ओके।
क्या यार, लगता है चाचा दुनिया को छोड़कर निकल गया। हाँ ए सीना, देवा, अपना प्लान तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अभी गांव को छोड़कर चलते हैं। ऐसा क्या? छे चलो फिर। क्या हो गया गाड़ी को? क्या हो रहा है बार बार? क्या हो गया? छे अरे बार बार खराब हो रही है। ए नागा, रिस्क ले ले क्या? नहीं सीना, प्रॉब्लम हो सकती है। नागा, हर बार हम तुम्हारी बात मानते हैं ना, सिर्फ एक आखिरी बार तुम हमारी बात मान लो, चल लूटते हैं ना। देख देवा, अब तक हम लोगों ने प्लान के हिसाब से ही हरदम काम किया है। हमने पैसों के लिए कितने भेस बदले, कितने नाम बदले, अब तक हमने पिन कोड के हिसाब से लूटा है। कभी कोई गड़बड़ हुई क्या? कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन ये घर हमें छोड़ना पड़ेगा। अरे हम क्या नहीं है क्या, ये चलना करते है। नहीं यार, ये हमारे प्लान में नहीं था, और ऊपर से इस घर के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। बिना सोचे समझे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। गाड़ी ठीक हो गई है, चलो इस गाँव से निकल। एक बार कोशिश करते ना, चलना यार। चलना चलते है, चल चल आजा, चल चलते, चल आजा। बिना प्लान का काम करा रहे हो, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो लफड़ा हो जाएगा। मैं हूं, मैं घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ? किसी की बातों की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाइए। अरे सड़क पे कोई चल रहा होगा, तुम डरो मत, मैं आ रहा हूं ना आधे घंटे में। अरे यार, गाड़ी आ रही है। रुक रुक। अरे कुटू नहीं आता है। अरे यार, अरे अपनी बाटली निकालना। चलो सर, मारते हैं, ठंडी भी है। क्या जंगल में पोस्टिंग दे दी है अपने को। अरे अरे जल्दी डाल तो, और थोड़ा और थोड़ा। हाँ ये लो। गाड़ी साइड में ले, ये बाजू लेगी गाड़ी, चल। ए, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात कर रहा है? हाँ अरे नहीं सर, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसीलिए सर मुझे अर्जेंटली घर जाना है। सर कौन प्रेग्नेंट है बे? मेरी बीवी सर। तू ये तो एक उठून रहे हा? सर मैं ऑर्केस्ट्रा का शो खत्म करके आ रहा हूँ। शो खत्म करके आ रहा है क्या? हाँ सर। चल बेटा, एक अच्छा गाना सुना के मूड बना दे। घर पे इमरजेंसी है सर, कॉल भी आया था। ए, तुझे गाना सुनाने के लिए कहा ना, तो कहानी क्या बता रहा है, एक गाना गा और निकल यहाँ से। चल सर,
मेरे घर के पास अनजान लोगों की आवाज आ रही है, मुझे जाने दीजिए सर। प्लीज सर, आप लोग भी चलेंगे तो थोड़ी मदद हो जाएगी। हम लोग ए, कैसा आदमी है रे तू? तू कह रहा है कि तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तेरे घर के आसपास लोग घूम रहे हैं और तू हम लोगों को भी बुला रहा है? खूब पोसले ला वाटता है रे। सर इस तरह की बातें मत करिए सर। ए, ए, तुझे गाना गाने के लिए कहा ना, गाना गा के निकल जा। अरे सर। हेलो, मेरी बीवी का कॉल है सर, वो प्रेग्नेंट है सर, इमरजेंसी है सर, मेरी बात मानिए सर। गाना गा और निकल यार। सर 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 प्लीज सर, अरे सर, गाना गा सर, वो प्रेग्नेंट है सर, मुसीबत में है वो सर। नहीं विश्वास है तो आप लोग भी चल के देख लीजिए सर। तेरी बीवी की मदद करने के लिए मैं अकेला काफी हूँ या सब लोग लगेंगे? सर इस तरह की बात मत करिए सर। ए, क्या बे? क्या रे? बूट से लात मार के अंदर कर दूंगा, समझा? क्या समझ के रखा है हाँ मैं ठीक हूँ, पकड़ो उसे। अरे रुक, ए रुको उसे, ए रुक, रुक बे। शेखर, बिना प्लानिंग के काम किया इसलिए ऐसा हुआ। सर सर, ये नागा देव और सीना की कोई फैमिली है? नहीं सर, इस गांव में उनका कोई नहीं है। ये लोग इसी गांव के हैं? ये लोग इस गांव के नहीं है सर, इस गांव में इन लोगों को आए हुए कोई 2 साल हुए होंगे सर। यहां पर चोरियां कब से होने लगी है? 1-1.5 साल से हो रही है सर। शेखर सर, उस दिन एक नंबर ट्रेस करने को कहा था। जी सर। वो नंबर किसका है? किसी रीटा का है सर। रीटा फुल नेम? रीटा जॉर्ज साहब, रीटा जॉर्ज, वाइफ ऑफ बिनॉय जॉर्ज। नागा और सीना जहां होंगे बिनॉय भी वहीं पर होगा।
They are in danger. नौकर शेखर जल्दी आओ। यस सर। नागा और सीना को ढूंढना है। ओके सर। आपने इसे यहाँ कहीं देखा है? नहीं सर, इसे भी नहीं। इसे? ठीक। इन लोगों को यहाँ पर कहीं देखा है क्या? मैंने नहीं देखा है सर। ठीक है। आपने इन लड़कों को यहाँ पर कहीं देखा है? चलो जल्दी। इन दोनों को यहाँ पर कहीं देखा है क्या? सर ये उस तरफ गए थे सर। पक्का ना? हाँ सर। Huh?
Hey, hey! Okay.